साल 2022 अब हमसे विदा ले रहा है और नई उम्मीदों से भरा नया साल हमारी दहलीज पर खड़ा है। तो आइए आपको 2022 में घटी उन घटनाओं से रूबरू कराते हैं जिनका गहरा असर हमारे जीवन सहित समाज पर पड़ा है। साल की शुरुआत काफी अच्छी नहीं रही। पहली जनवरी को ही वैष्णो माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही बरती गई। पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी का काफिले को एक पुल पर किसानों ने रोक लिया। पीएम मोदी यहां करीब आधा घंटा फंसे रहे। पीएम मोदी का काफिला जहां रुका था वहां से पाकिस्तान बॉर्डर महज 20 किलोमीटर की दूरी पर था। कर्नाटक में हिजाब विवाद अक्टूबर 2021 में ही शुरू हुआ था, लेकिन इस साल जनवरी में मामले ने कुछ ज्यादा ही फूल पकड़ लिया। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस मामले में जमकर राजनीति हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच का फैसला भी विभाजित रहा, जिसके चलते अब मामला बड़ी बेंच के पास है। वहीं इस साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने वापसी करते हुए इतिहास रच डाला। यूपी में अखिलेश की घेराबंदी को सीएम योगी ने तहस नहस कर दिया। वहीं पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू ने पूरा विपक्ष साफ किया। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित कर डाला। गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। तो वहीं कांग्रेस को तकरीबन 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करारी शिकस्त दी। चुनाव में खड़गे को 7,897 वोट मिले। इसी के साथ खड़गे पार्टी से दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। इस साल महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई, तो वहीं बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने उद्धव से बगावत कर डाली। बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने राजद के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नुपुर शर्मा विवाद भी काफी गहराया, जहां बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। सऊदी अरब और कतर सहित तमाम मुस्लिम देशों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं बीजेपी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर ही कर दिया। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को बयां करने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। फिल्म को जबरदस्त सफलता भी मिली, हालांकि इस फिल्म पर विवाद भी बहुत हुआ। विपक्ष सहित एक बड़ा वर्ग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताकर फिल्म के बायकॉट की अपील की। इसके बाद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। अब एक बार फिर से फिल्म पर विवाद शुरू हो चुका है। स्वर्ग कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का इसी साल 6 फरवरी को निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। उन्होंने 13 साल की उम्र में 1942 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत की कई भाषाओं में लगभग 30,000 से ज्यादा गाने गाए थे। वह दिल्ली के महरौली के श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला कर रख डाला। श्रद्धा के कत्ल का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफताब पर लगा है। आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल किया और फिर लाश के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। इस साल का ये सबसे खौफनाक हत्याकांड था। आफताब इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी सबूत तलाश कर रही है। पुलिस को श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में पार्टी नेता 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये यात्रा तकरीबन 175 लोकसभा सीटों को कवर कर रही है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। उपचुनाव में सपा के दोनों अभेद किले ध्वस्त हो गए। यहाँ अब बीजेपी का कमल खिल चुका है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के असीम रजा को करीब 42,000 मतों से मात दी। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा था। निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई
धर्मेंद्र यादव को हराया। वाराणसी का ज्ञान व्यापी विवाद भी इस साल खूब सुर्खियों में रहा। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वे कराया गया। सर्वे में मस्जिद के वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की घटना ने सियासी पारे को काफी हाई कर दिया। हिंदू पक्ष के मुताबिक कथित शिवलिंग की आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वही मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। फिलहाल कोर्ट ने पूरे परिसर को सील कर दिया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार विधायक चुने गए और 7 बार सांसद भी वो रहे। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वो 1996 से 1998 के दौरान देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। अपनी सरकार में कार सेवकों पर गोली चलवाने के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरा देश सदमे में आ गया था। मानसा जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने 27 वर्षीय गायक की कार पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे लोगों में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। दुनिया भर के प्रशंसकों ने पॉप स्टार की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया। सगस को नोएडा में लगभग 100 मीटर ऊंचे सुपरटेक ट्विन टावर जो कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा था, उसको जमींदोज कर दिया गया था। निवासियों द्वारा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अदालत में जाने के 9 साल बाद टावर को गिराने का आदेश दिया गया था। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन परिवारों में से एक टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री शाहपुर जी पालन जी ग्रुप के वंशज थे, जिनका 4 सितंबर को मुंबई के पास एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। 54 वर्षीय साइरस के निधन से हर कोई स्तब्ध रह गया था। अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान सड़क हादसे में मिस्त्री की मौत उस समय हुई जब उनकी कार मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर में एक डिवाइडर से टकरा गई थी। तो ये थी खबरें 2022 से जुड़ी। आने वाला 2023 सबके जीवन के लिए मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मैं शाहिन खान, नमस्कार।